प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सनक सवार है पैरों में एक थिरकने की, नहीं परवाह उनको जमीन पे गिरने की। अक्ल की चाह पर जुनों का जहां ढोते रहे, थिरक रहे थे कदम जो वही उलझते रहे। उन्हीं की शोक अदाओं पे जिंदगी जो चली, उन्हीं के सोज में अब रूवे जिंदगी ये ढली। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं मोहसिन खान लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो जिंदगी। वो जिंदगी जिसकी सदियों के सफर में सोच और सिद्धांतों की कई मंजिलें पीछे छूट चुकी हैं। आज का इंसान सोच और सिद्धांतों से जुदा एक जुनून की लय पे जिंदगी जीने चला है, जिसका असर ये हुआ है कि पूरे समाज पर ही खतरा मंडराने लगा है। सदियों पहले जब इंसान ने जिंदगी का सफर शुरू किया था तो तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच जीवन जीने के लिए संघर्षों और मशक्कतों से गुजरना पड़ा, जिसको सदियों के बाद जीवन जीने की कला का नाम मिला। जीवन जीने की यही कला अपने आप में वक्त की करवटें और पीढ़ियों का फलसफा समेटकर उसूल और सिद्धांतों के रूप में हम जैसी पीढ़ियों को विरासत में मिली। लेकिन अब शायद ये तरक्की की अंगड़ाई की बेला है, जिसमें जीने की राह भी है और जीने की चाह भी है, लेकिन जीने का अंदाज बदलने लगा है। पीढ़ियों और सदियों की विरासत, वो उसूल, वो तर्जे जिंदगी अब ये पीढ़ियां भूलने लगी हैं। शायद वो तरीका अब इन्हें रास नहीं आता है, जिसमें इंसान की हसरतों में अलहड़पन और मतंग सोच व शरारतें मिलकर दुश्वारियों की राह अख्तियार करने लगी हैं। तभी तो आज का इंसान कभी किसी चैलेंज लेता है तो कहीं ब्लू व्हेल जिंदगियों को धीरे धीरे निगलता नजर आता है। कहीं जीवन के सफर में खुद के बनाए ठोकरों पर पांव मारती ये पीढ़ियां दिखाई देती हैं, तो कहीं सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में गुम बचपन जीवन का लक्ष्य और जिंदगी का मकसद खोजता दिखाई देता है। लेकिन किसको क्या मिला और आगे क्या क्या हासिल हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाना है। आज इसकी गणना करनी है, क्योंकि यही मौजूदा पीढ़ी को राह भी दिखाएगी और आने वाली पीढ़ियों को मंजिल का पता भी देगी। शायद आज की तरह बूढ़े बच्चे और जवान जैसी हर पीढ़ी और अमीर गरीब मध्यम वर्गी हर इंसान इसी तरह कहीं किसी चैलेंज लेता दिखाई देगा, तो कहीं सुकून की चाह में मौत की दहलीज से फांता बचपन भी नजर आएगा। इसके बारे में ज्यादा सोचने और शोध करने की भी जरूरत नहीं है। इन समस्याओं की असल वजह हम और आप खुद हैं, क्योंकि हम ही ने जीवन के लक्ष्य को इतना कठिन और अहम को इतना बुलंद बना दिया है कि मौत से खिलवाड़ अच्छा लगने लगा है। आज के सोशल वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिसमें रची बसी ये पीढ़ी जिंदगी की सच्चाई को वर्चुअल में इस कदर मिलाने को आतुर हो गई है कि खुद को मौत के मुंह में झोंकने से खौफ नहीं लगता है। इसमें आज की तमाम समस्याओं के साथ ही तमाम शक्लों में हर स्तर पर मौजूद वो कारक भी हैं, जो हर पल हर पहर इंसान के दिलो दिमाग को चाल कर खोखला भी कर रहे हैं, और जब कभी किसी तरह का उद्दीपन इन्हें उकसाता है तो ये कहीं क्राइम के रूप में तो कहीं कलह के रूप में उजागर भी होते हैं, और अक्सर इसकी मंजिल मौत के करीब ही दिखाई देती है। वरना क्या बात थी कि देश का वो तबका जो हर तरह से संपन्न भी है और शिष्ट भी है, वो सनक पर सवार होकर भागती कार से कूद कर नाचने लगता है और अक्सर मौत की मंजिल पर पहुंच जाता है। कोई ड्रैगन ब्रीथ चैलेंज लेकर जान को जोखिम में डाल रहा है तो कोई ब्लू व्हेल के मुंह में जाता नजर आता है। अब ये भी जान लें कि ड्रैगन ब्रीथ चैलेंज क्या है। दरअसल ड्रैगन ब्रीथ एक तरह का अनाज है, जिसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल कर रखा जाता है। इसे मुंह में डालने से गैस की तरह धुआं निकलता है और सोशल मीडिया पर इसे खाते हुए कई लोग अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन
हमारी अतड़ियों को गला सकता है और हमारी जान भी ले सकता है। इतना ही नहीं, किकी चैलेंज लेने वाले भारतीयों में तीनों ही पीढ़ियां शामिल हैं। इसी तरह न जाने ही कितने तरह के स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्सेस का असर है। ऐसे में भारत जैसे देश और समाज के लिए कानून व्यवस्था का भी सवाल है। आखिर ये इंसान ऐसी वर्चुअल दुनिया में जीते हुए हकीकी जिंदगी के सपने क्यों बुनता है, जिसमें उलझकर जिंदगी का सफर ही खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कीकी चैलेंज हो या ड्रैगन्स ब्रीद चैलेंज, ये एक मेनिया है, सनक है, जो आज लोगों पर सवार नजर आता है। मिस्र, जॉर्डन और यूएई जैसे कई देशों में इनको बैन कर दिया गया और भारत के कई राज्यों की पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। लोगों की ये सनक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। क्या देश और दुनिया में संपन्न समाज अपनी बुनियाद से उखड़ चुके हैं, जो सोशल मीडिया के चलाए बनावटी बयार में बहते दिखाई दे रहे हैं? आखिर जिंदगी का ये ढर्रा कैसे बदलेगा? ऐसी सनक को देश की ताकत में कैसे तब्दील किया जाए? ऐसे तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कई बेहद खास मेहमान। एस के शर्मा, आप पूर्व कमिश्नर हैं। डॉक्टर प्रियंका यादव, आप साइकाट्रिस्ट हैं। निशु महिंद्रा भारद्वाज, आप द्रोणा इंटरनेशनल की फाउंडर हैं। जयवीर सिंह चौधरी, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। रंजना माहेश्वरी, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सभी मेहमानों का जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माहेश्वरी जी आपके पास आते हैं, आप बताएं, चैलेंज यानी चुनौती को स्वीकार करना और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर अपनी बहादुरी का डंका बजाने के मामले तो इतिहास में खूब मिलते हैं, लेकिन आज के जमाने में जिस तरह के चैलेंज किए जा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ये जो चैलेंजेस आजकल के जमाने में शुरू किए गए हैं, किसी गेम के माध्यम से या किसी भी एक डेयरिंग कहते हैं ना, डेयर टू विन, इसके माध्यम से, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा समाज बहुत गलत वे में जा रहा है और हमें इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो टीन एज बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत गलत तरीके से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज गलत वे में जा रहा है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ एक क्रेज़ी चाहिए, कुछ एक उनको अलग हटके करना है। अब क्यों अलग हटके करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं? निशु आपके पास आते हैं, आप बताएं, कीकी चैलेंज को पूरा करने में बॉलीवुड सितारे भी लगे हैं। हाल ही में नूरा फतेह और वरुण शर्मा के वीडियो वायरल हुए। एक अभिनेत्री ने तो नागिन अवतार में इस चैलेंज को पूरा किया, इसको क्या कहेंगे? आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है? जो आपने भी बात करी कि मूवीज जिससे सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं, वो रोल मॉडल बच्चे या बड़े और बूढ़े, जवान, हर तरह की एज ग्रुप के लोग उनको बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। मैं इस चीज में इस स्टेप को बहुत गलत बोलूंगी कि वाकई आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या स्टेप ले रहे हैं, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो सही है या गलत है। अगर आप जो सही स्टेप ले रहे हैं उसको दुनिया से फॉलो करवाइए। सही गलत का फैसला कौन करेगा? ये हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, और हमारी एजुकेशन, तीन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारे माता पिता उन चीज़ों पे कितना ध्यान दे रहे हैं, अगर हम बच्चे हैं हम किस हद तक अपनी प्रॉब्लम्स या हमारी ज़रूरतों को अपनी फैमिली में शेयर कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन का लेवल कितना है, हमने मॉरल साइंस के सब्जेक्ट कितने पढ़े हैं। क्या वाकई में ये किताबें पढ़ने से, आप एजुकेटेड होने से इन सब चीज़ों का निस्तारण हो सकता जी? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमको अपना टाइम मैनेजमेंट, हम तो जो देख रहे हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो तो सब ज्यादातर लोग वेल एजुकेटेड लोग नजर आ रहे हैं जी। वेल एजुकेटेड का मतलब एजुकेशन सिर्फ किताबी दुनिया तक सीमित नहीं है, एजुकेशन का मतलब ये भी है कि हम अपनी पूरी दिनचर्या को, जो समय व्यतीत कर रहे हैं, उसको किस किस फॉर्मूले में और कहाँ कहाँ पे सेट कर रहे हैं। अगर वाकई आपका, जैसे कि मैम ने बोला था कि आपके बच्चे खाली टाइम पे कर क्या रहे हैं, हमको इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो एनर्जीज किसी सही चीज में लग रही है या वो एनर्जीज किसी गलत चीज में लग रही है। वहां पर फॉर्मूला लागू होता है जहां पर सिर्फ बच्चे कर रहे हो। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बच्चों के माँ बाप, बच्चों के दादा दादी, हर एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, तो चिंता का विषय इसलिए है, समझाएगा कौन उन्हें? जयवीर सिंह चौधरी साहब आपके पास आते हैं, युवा वर्ग इस तरह की सनक का हिस्सा बन जाते हैं, इसके पीछे
किस तरह की सोच काम करती है। कई स्टेट में तो पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। कानून व्यवस्था से जुड़ी इस चुनौती को पुलिस कैसे देखती है? पुलिस इसको एक बड़े चैलेंज के रूप में ले रही है, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। नियम बने हुए हैं, कानून हैं, प्रावधान हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो उसमें थोड़ी सी समस्या आती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक साइकोलॉजिकल एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है, जो हम अलग अलग तरीके की पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज में आता है, स्टंट्स आते होती हैं, लेकिन अपने साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात में वो हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ हैं। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। जनरल वे में, मैं सरल भाषा में आपसे समझना चाह रहा हूं, हम भी अच्छी तरीके से नहीं देख सकते कि हमारे समाज के अंदर हमारे नवयुवक, जवान तबका, बड़े बूढ़े इस तरह की अगर कोई चैलेंजेस ले रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी को नुकसान हो सकता है और पूरे परिवार को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इस तरह के स्टंट पर रोक लगाई जा सके। और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उन्हें इस तरह के कड़े कठोर कदम उठाए जाए उनके ऊपर, ताकि उनसे इंस्पायर होकर, उन्हें देखकर समाज में और लोग जो इस तरह के स्टंट करना चाह रहे हैं वो ना करें, ऐसा उदाहरण हम पेश कर सकें। बिल्कुल, ये कोशिश जारी है इस तरह की, इसीलिए जो है ये नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं। आप अगर देखें तो मतलब है कि मैं अगर दिल्ली का ही मसला लूं कि मोटरसाइकिल के ऊपर जो रोज़ रात के टाइम पे स्टंट्स होते हैं, दिल्ली पुलिस वो उसको रात को चेक करती है और चेक करके उनको पकड़ती है, लेकिन बेसिकली यदि परिवार में इस चीज़ को जो है नहीं संभाला जाएगा तो वो जरूर उसको कोशिश करेगा। चिंता का विषय ही है जिस स्टंट में, खासतौर पर अब कीकी की जो चैलेंज की बात हो रही है, जहाँ परिवार के बड़े ही इस तरह के स्टंट कर रहे हों, फिर वहाँ किससे उम्मीद करी जाएगी कि कौन रोकेगा उन्हें? जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें इसके ऊपर कानून है कि आप अपनी गाड़ी को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ा है तो आपको मतलब है कि आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। प्राइम न्यूज के मंच पर आज ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इस तरह की वीडियो डाली और वो आइडेंटिफाई हो गया, उसे जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा, अगर ये कानून में प्रावधान है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है आज आप बता दें दर्शकों को, ताकि वो अवेयर रहे। इसमें तो मतलब है कि आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, जो कि आपको जुडिशरी से जो है रिलीज करानी पड़ेगी, आपका लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है, आपको दोबारा लाइसेंस नहीं मिल सकता, आपको 3 साल तक। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राइम न्यूज के मंच पर यहाँ चौधरी साहब ने दी है। साफ तौर पर वो ये यहाँ बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कानून में ये प्रावधान है, अगर आपने इस तरीके से जो कीकी चैलेंज के वीडियोज सामने आ रहे हैं ये कानून तोड़ना है हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस तरीके से गाड़ी चलाते हुए वीडियोस बनी, वायरल हुई, आपने अपलोड किया और आपकी पहचान कर ली गई तो आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है, तो वीडियोस अपलोड करने से पहले ध्यान रखें। डॉक्टर प्रियंका आपके पास आते हैं, तमाम तरह के चैलेंज लोग लेते दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। ऊपर से कोई भी रोक टोक लगा के या दंड देके हम ये मान रहे हैं कि ये सब मानसिक रोग नहीं है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण है ये जानना कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। वी हैव टू एम्पथाइज विद देम। हमें समझना पड़ेगा कि उसके कारण क्या हैं। जो 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं, पहला है इंटरनेट हमें एक परफॉर्मेंस का स्टेज देता है जिसके व्यूअर्स पूरी दुनिया है, तो लोगों को थ्रिल मिलता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, और उसके लाइक्स आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, रीट्वीट्स होते हैं, तो वो एक हाई देता है। दूसरा जो कारण है वो है पीयर प्रेशर। वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, ये एक प्रेशर रहता है आज के यंगस्टर्स पे भी या किसी भी इंसान पे। तीसरा जो कारण है वो है मॉडलिंग। जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बहुत लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, बहुत लोग हैं, कोई अपने बड़े भाई को लुक फॉरवर्ड करता है, तो जब ऐसे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो जो उनको उनसे इंस्पायर्ड हैं वो फिर फोर्स्ड फील करते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए, ताकि हम उनके साथ आइडेंटिफाई कर सकें, हम भी उनके जैसा बन सकें। जैसे कि पहले ज़माने में लोग वही कपड़े पहनते थे जो किसी एक्टर ने पहने हैं, ये एक तरीके का मॉडलिंग बिहेवियर है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है। तीसरा, समाज इस डायरेक्शन में जा क्यों रहा है, क्योंकि क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है? कारण है कि आज की डेट में हर इंसान बहुत लोनली है, बहुत अकेला है। जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर था, इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर था, हम चेंजिंग ट्रांजिशन फेज में हैं, हम बदल रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पहले परिवार में दादा दादी नाना नानी होना बहुत कॉमन सी वस्तु थी, आज के डेट में सब पेरेंट्स वर्किंग हैं, लाइफ के स्ट्रेस ज़्यादा हैं, बच्चे अकेले हैं, डे केयर्स में हैं या प्ले स्कूल्स में हैं, हर इंसान की एक मजबूरी है, तनाव ज़्यादा है, तो उसी के कारण फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा है, अपने आप को प्रूव करने की एक चाह भी ज़्यादा है। ये जो इंटरनेट है ये हमें एक मौका देता है कि हम रियल वर्ल्ड से हट के
एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी सकें और वो इमेज दे सकें जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि आज के डेट में आप फेसबुक खोल लीजिए, फेसबुक पे सबके पॉजिटिव ट्वीट्स हैं, मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, कोई ख़राब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब एक इंसान, एक यूथ हो चाहे वो कोई ओल्ड एज पर्सन हो, जब वो ये चीज़ें देखता है तो वो सोचता है कि क्या मेरी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक डिप्रेशन पैदा करती है और वहाँ से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है कि मैं भी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आज के दौर में असल जिंदगी के ऊपर वर्चुअल जो वर्ल्ड है, जो वर्चुअल जिंदगी है, वो हावी होता जा रहा है। बिल्कुल, यही इसका कारण है, ये इसका कारण। आप इसे क्या कहेंगे, जिंदगी का एक आज अहम हिस्सा बन चुका है, या जो हमारी जिंदगी के अंदर कमी आ गई उसकी वजह से है, या दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर बीमारी है? ये देखिए, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस फाइंड करना। जहाँ एक तरफ इंटरनेट बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है लोगों को कि वो आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लोनलीनेस है, स्ट्रेस है, तनाव है, वो खींच रहा है उनको इंटरनेट के नेगेटिव साइड्स की तरफ। जैसे कि यूथ्स को खींच रहा है ये ड्रैगन चैलेंज के लिए, किकी चैलेंज के लिए, या ओल्ड एज लोगों के लिए भी, क्योंकि जब पहले परेशानियां होती थी तो लोगों के पास लोग थे बात करने के लिए, आज के डेट में उनके पास एक वर्चुअल वर्ल्ड है जाने के लिए, जो एक्चुअली रियल तो नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, पर उनको मोमेंटरली हाई मिल जाता है, किक मिल जाता है, थ्रिल मिल जाता है, तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ सब ठीक है, उतनी परेशानी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का कारण है, ये उन लोगों के साथ हमें एम्पेथाइज करना चाहिए और उसका कारण फाइंड करके उसका सोल्यूशन। इसका कारण अभी आपसे हम जानेंगे और आपसे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले अश्के शर्मा जी आपको आते हैं, आपको चर्चा में ले आते हैं। शर्मा जी, आप ये बताएं कि ऐसे समय में जबकि लोगों पर किसी ना किसी तरह की सनक का असर हावी हो, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना गंभीर हो जाता है? तो समस्या कानून व्यवस्था की तो बाद में बनती है, लेकिन उससे बड़ी समस्या सामाजिक है और परिवार की समस्या। आपका समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, और उसके ये लक्षण हैं। ये समस्या आज बहुत छोटी है, ये शुरुआत है, ये समस्या भविष्य की है। भविष्य में कैसा परिवार होगा, कैसा समाज होगा, और कानून व्यवस्था का तंत्र कैसा बनेगा, ये इसके अभी निशानियां हैं। आप ये समस्या मानस से या मन से शुरुआत हुई है, आपके दिमाग पर किसका कब्जा है आज? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिनेमा काफ़ी हद तक हम लोगों के दिमाग को असर करता था। सिनेमा के बाद मार्केट ने हमारे दिमाग को कैप्चर करना शुरू किया विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से, और आज उससे भी बड़ा कब्जा इंटरनेट का। मैं ये आज भी विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ कि 50 दिनों के अंदर आपके दिमाग पर कोई कैप्चर कर लेता है और आपको एक स्टेज से शुरुआत करता है मोटिवेट करना, और धीरे धीरे वो आपके दिमाग को चंगुल में लेता है और 50वें दिन वो इस स्थिति पर आपको पहुंचा देता है कि आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसलिए समस्या को विभिन्न पक्षों में विश्लेषण करना चाहिए और उसका निदान निकालना चाहिए। शर्मा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, आपने प्रशासन को अंदर से भलीभांति परिचित है कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है। जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि क्राइम होने के बाद सिस्टम एक्टिव होता है, क्राइम होने के बाद सबसे आखिरी में सिस्टम को पता चलता है, क्या हम इस सबको क्राइम के नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाकई में ये लोग क्रिमिनल है? हो सकता है अपनी जिंदगी को हल्का फुल्का करने के लिए कर रहे हैं, और ना ये क्राइम का, तो क्राइम के नजरिए से कैसे देखेंगे? क्राइम के नजरिए से इसको बहुत ज्यादा देखने से कुछ हम समस्या की तरफ आगे सॉल्यूशन के बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये जब कोई क्राइम होता है किसी भी तरह का, तब तो आपको मालूम ही है, तंत्र है, पुलिस है, कानून है, अदालत है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन यदि किसी ने अपनी जान दे दी है तो अब उसमें प्रशासनिक तंत्र या कोई व्यवस्था क्या कर सकती है? आपको उससे पिछले हिस्से में जाना पड़ेगा। आप पहले अगर उसको हमें रोकना ही है और प्रशासनिक तंत्र के तरीके से रोकना है, तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए, कौन है जो इंटरनेट पे ये डाल रहा है, उस सोर्स को पता करिए। ये जो जैसे आपने ब्लू व्हेल का भी काफ़ी उदाहरण दिया, ये रशिया से शुरू हुआ कुछ सालों पहले, जिस व्यक्ति ने ये बनाया एप्लीकेशन वो अभी जेल में है। उससे ये पूछा गया, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा, मैं बायोलॉजिकल वेस्ट को ख़त्म करना चाहता। बायोलॉजिकल वेस्ट मीन्स जो लोग ससेप्टेबल हैं टू गेट
तो डेथ स्टेज की सुसाइड कमिट कर लें, उसकी नजर में उन लोगों को मर जाना ही बेहतर। तो ये प्रॉब्लम मानसिक विकृति की है ना, और मानसिक विकृति को आप कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन या गाइड करके दे सकते। आपने रोल मॉडल की बात की, आज आपका रोल मॉडल कौन है समाज में? आप किसी राजनीतिज्ञ को, किसी धर्म गुरु को, किसी प्लेयर को या किसी अन्य फील्ड में किसी को रोल मॉडल की तरह पेश कर सकते हैं? जब तक आपके पास, जैसे पहले रोल मॉडल थे ना, आपने धर्म को भी अलग कर दिया, समाज को भी अलग कर दिया, परिवार को भी अलग कर दिया। जब हम ये कहते हैं कि आप किसी से कुछ बात सीखिए तो लोग कहते हैं कि दिस इज अ टाइम ऑफ फ्रीडम, आप किसी पर अपने मूल्य थोपने की कोशिश मत कीजिए। जब आपने हमको तो अलग कर दिया कि हम कोई बात आपको बताएंगे, और जब आप उससे दूसरा आपको बता रहा है और गलत बात बता रहा है उससे आप सीखने को तैयार है, तो 50 दिन में उससे तो आप सहमत हो जाते हैं। और जो आदमी सही बात कहने की कोशिश करता है उसको समाज, तंत्र, व्यवस्था सब लोग कहते हैं आप अलग हो जाइए, आप लोगों को प्रीच मत करिए, आप नैतिक बातें मत करिए, ये यंग जनरेशन है, आपसे ज्यादा समझदार है। तो हमसे वो तो बहुत समझदार है जो 50 दिन में आपको सुसाइड के लिए ले जा रहा है, और हम कहते हैं कि बेटा ये मत करो, ऐसा मत करो, इतना समय पढ़ाई पर दो, ठीक से समय पे उठो, ठीक पे जाओ, तो हम इंटरवेंशन करते हैं लाइफ में। तो आपको कहीं ना कहीं तो कहीं कोई स्थान हमें भी देना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बहुत बहुत बड़ा स्थान देना पड़ेगा, देना और बहुत गंभीर विषय है। आप हमको स्थान नहीं देना चाहते तो आपके सामने है परिणाम, उसके लिए आप हमको ब्लेम मत कीजिए। हमने तो अपने रोल को रिड्यूस कर दिया। वो कहता है आप सुबह 4 बजे उठिए, हम जब कहते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठिए, कभी नहीं उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः वेला है, अध्ययन करोगे तो ज्यादा सीखोगे, तब कहते आप चुप रहिए, आप ओल्ड वैल्यूज की बातें करते। उठने की बात छोड़िए, हो सकता है सोए ना। हम तो 11 बजे उठेंगे, दो तीन बजे तो सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, हम सोएंगे 12 बजे। वो कहता है कि आपको पहला लेसन है 4 बजे सुबह उठना होगा, फर्स्ट स्टेज है, वहां से वो मोटिवेट करना शुरू करता है। उसके कहने से आप सुबह 4 बजे उठते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि लोग सीखने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी फंस रही है कि चारों तरफ गुमराही के रास्ते पे लोग चले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने यहाँ कही कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से कुछ लोग, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक बहुत बड़ा वर्ग, गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। माहेश्वरी जी आपके पास आते हैं, आप बताएं, हर नागरिक देश का असेट है, अगर हर इंसान की क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल देश के निर्माण में हो तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाने चाहिए, और उनको जो हमारे हिस्ट्री में जो इतने बड़े बड़े हीरोज हुए हैं, रियल लाइफ में हीरो वो हैं, ना कि वो हैं जो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो उन रियल लाइफ हीरो की कहानियों से उनसे अवगत कराएं और उनके मन में एक इस तरह की फीलिंग को जागृत करें कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और वो जाने कि हमारी लाइफ का असली उद्देश्य क्या है, हमें लाइफ में क्या करना है। मेन चीज यही है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, वो अपने रास्तों से भटक रहे हैं क्योंकि हम पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे रहे हैं और उनको सुनना नहीं चाहते, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढना चाहते हैं। तो इंटरनेट पे आप भी जानते हैं, जब एक साइट बच्चा खोलता है तो वहाँ पर 4 साइट अलग खुल जाती हैं, तो वहाँ पर जो उसे पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट लगता है वो उसकी तरफ मोटिवेट हो जाता है और वहीं पर जाना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी और सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में जो एक खालीपन होता है, उस खालीपन को कैसे हमें भरना है, उसकी आप दिशा बता रही हैं किस तरीके से होना चाहिए। किसी भी परिवार में जब कम्युनिकेशन गैप होता है, आपस में लोग बैठकर एक दूसरे से उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को शेयर नहीं करते हैं, तभी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। चौधरी साहब आपके पास आते हैं, आप बताएं, क्या किसी तरह का मैकेनिज्म सरकारें डेवलप नहीं कर सकती जिससे वर्चुअल वर्ल्ड के इन वायरल सनकी लोगों से हमारी रियल दुनिया को नष्ट होने से बचाया जा सके या मेनिया को पॉजिटिव कन्वर्जन किया जा सके? कार्य करने की आवश्यकता है, और अगर हम साइबर क्राइम और साइबर सेल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करें, उनके थ्रू जो है, जो भी जब भी जैसे ही इस तरह की कोई डाउनलोड होती है
एक्टिविटी उसको इमिजिएटली ब्लॉक किया जाए और जो सोर्स है उसको पकड़ा जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस तरफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो बहुत आसानी से इस चीज़ को जो है कंटेन किया जा सकता है। एक कहावत है बड़ी पुरानी कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान का घर होता है। जब हम बच्चे को जाया होता है ना, आप व्हाट्सएप देख लीजिए खोल करके, हर जगह हर चीज मिलेगी आपको। मैं अभी वहीं पर फैमिली ग्रुप ही मिलेगा बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो समय होता नहीं है। बिल्कुल, और उसी पर फैमिली ग्रुप में बात उसी पर बात होती है। गुड नाइट गुड मॉर्निंग उसी पर होता है। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग उसी पर हो जाता है। मिलते भी नहीं है डेज टुगेदर। ये 3 घंटे रोज चाहिए हर आदमी। समाज की वो प्रणाली है उसको भी चेक करने की आवश्यकता है, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसमें भी हमें कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की या हमारे देश की सभ्यता की जो जड़ें होती हैं वो खोखली होती जा रही हैं। इस सारे जो परिणाम आ जा रहे हैं उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, आप साफ तौर पर ही कह रहे हैं। बिल्कुल साफ। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, आप बताएं मेनिया के ज्यादातर मामलों में लोकप्रियता की भूख झलकती है, क्या किसी तरह से इस भूख को सकारात्मक रूप में नहीं बदला जा सकता? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हमने मॉडलिंग की बात कही, सबसे बड़ा मॉडल एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा मॉडल जो बचपन से वो देखता आ रहा है वो उनको फॉलो करना चाहता है। तो जब पेरेंट्स के हाथ में पूरे दिन मोबाइल है तो मॉडलिंग करके बच्चे के हाथ में भी आधे दिन तो मोबाइल होगा ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम उनके लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने, एज अ सोसाइटी हम पॉजिटिव रोल मॉडल बने। हमें एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ मूव करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें। आज के डेट में जब बीमारी हो जाती है तब हम जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए। अब बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रिवेंट किया जाए कि ये बीमारी हो ही ना। तो इसके लिए पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बच्चों में किस तरीके से डेवलप की जाए या बाकी लोगों की किस तरीके से डेवलप की जाए, रीज़न बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेट पे क्यों जा रहे हैं। यदि आप इसलिए जा रहे हैं कि आप कुछ अच्छा पोस्ट करते हैं और आपको उसके लिए एनकरेजमेंट चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में खालीपन है जो आप सेकंड्स के लिए दूर कर पाएंगे पर परमानेंटली तो वो दूर नहीं होगा, तो वो गलत है। यहाँ बैलेंस की बात आती है कि आपका इंटेंशन क्या है इंटरनेट पे जाने का, व्हाट्सएप खोलने का इंटेंशन क्या है। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, घर में यदि कोई बिना खटखटाए घुस जाए आप कैसा फील करेंगे? व्हाट्सएप के मैसेजेस, फेसबुक के नोटिफिकेशंस क्या हैं? बिना पूछे एंटर किए हुए गेस्ट्स हैं, उनके लिए हम लोग भाग भाग के जाते हैं और खोलते हैं दरवाज़ा उनके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों जा रहे हैं इंटरनेट पे, आपका इंटेंशन क्या है। यदि वो इंटेंशन ये है कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो उसके लिए मदद है। वो एक मानसिक बीमारी है। जैसा शर्मा जी ने जो बोला था ब्लू व्हेल चैलेंज के बारे में, जिसने जो उसके क्यूरेटर हैं जिसने वो डाला है वो भी मानसिक रोगी है, और जो बच्चे इसमें इस कदर बढ़ गए हैं कि 50वें दिन सुसाइड कर रहे हैं वो भी मानसिक रोगी हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस बीमारी से ग्रस्त हैं और उसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। और जो मैम ने बोला कि कम्युनिकेशन नहीं है और इसलिए वो उस क्यूरेटर को ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, उनके उनसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, तो ये इस तरीके से फैमिली का स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, स्कूल का स्ट्रक्चर, सब चीज़ों में मेंटल हेल्थ। इंटरनेट में ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का खालीपन दूर करने के लिए, या आप अकेले हैं लोनली हैं तो आपने इंटरनेट ऑन कर लिया तो ये कोई क्राइम कर लिया। वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़रूरत है कि आप सही गलत को पहचान सके, समझ सके, बैलेंस में रह सके, बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए शर्मा जी आपके पास आते हैं, आप बताएं देश और समाज हित में युवाओं की सोच को सही दिशा में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी आगे बढ़कर चुनौतियों से निपटे, लेकिन इस मामले में विरोधाभास ये है कि युवा वर्ग वेब वर्ल्ड में एक कदम आगे चलता है, ऐसे में क्या माना जाए ये चुनौती हमेशा बनी रहेगी? चुनौती तो ये जब इस समय की परिस्थितियाँ उनको देखते हुए बनी रहेगी। जो अगर हमने इसमें संतुलित अप्रोच की आवश्यकता है, जैसा भी आपने भी कहा कि इंटरनेट एक माध्यम है, एक मशीन है, ये उसके यूज़र पे डिपेंड करता है उसमें से वो कितना अच्छा इस्तेमाल करता है और कहाँ खराब करता है। शर्मा जी आपको बीच में टोकना चाहूँगा, ये मैंने सवाल इसलिए करा जैसे क्योंकि बार बार बात आ रही है कि माँ बाप को कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बच्चे से बात करनी चाहिए, आपस में बातचीत रहनी चाहिए, खालीपन नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में दिक्कत ये है कि जनरेशन गैप आ जाता है, और आज भी अगर हम देखें खास तौर पर अपने घरों में देखें जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल में, हम अपने बच्चों से पूछते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं,
उनसे पूछते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे यूज करेंगे हम, तो हम अपने नए नवयुवकों पर, टीनेज पर, अगर घर का कोई गार्जियन है वो कैसे मॉनिटरिंग रखेगा, सवाल इसलिए गंभीर है। अब उसके लिए तो आपको उनके साथ शामिल होना पड़ेगा, आपको एक अपने विवेक से देखना पड़ेगा कि वो कितनी देर उसमें जुड़ता है और उसके बाद उसके क्या हाव भाव होते हैं। एक गार्जियन की या एक पेरेंट की जो जिम्मेदारी है वो आप, हम लोग पहले भी निभाते थे, उससे आप विमुख नहीं हो सकते। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने बच्चे को, वो कितना समय देता है, कैसी तरह से आचरण करता है। आप उससे अपने को इतना दूर मत कीजिए कि आपको ये पता न चले उसमें, उसके बुद्धि में, उसके मानस में क्या परिवर्तन हो रहा है। वो अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप में भी कुछ गड़बड़ी है। तो जैसा आपने कहा कि सुधार तो आपको पहले परिवार से करना पड़ेगा, तब वो समाज में जाएगा। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो हमारा एजुकेशन तंत्र है वो इस विकृति को बैलेंस करने में मदद कर सकता है, वो नए चैलेंजेस, उस सही जो जेन्युइन रियल लाइफ के चैलेंजेस हैं स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, वो जो वर्चुअल नहीं है, नॉन वर्चुअल चैलेंजेस हैं, वो बच्चों के सामने रखेंगे और उससे बच्चों को जोड़ेंगे। अगर आप 50 दिन में सुसाइड कर सकते हैं तो 50 दिन में एक आप हीरो भी बन सकते हैं। असल जिंदगी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वर्चुअल दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए, जो बच्चों को शुरू में हम लोग गेम्स ला के देते हैं, बड़े उससे ला के देते हैं, मन से, हम ये नहीं देखते कि मार्केट उसको कैसे बदल रहा है बच्चों। आप वर्चुअल कैरेक्टर्स पैदा किए जा रहे हैं, उनसे एक तरह की आदमी को जिंदगी में से अलग होकर के कहीं उड़ रहा है वो बच्चा जा करके, जब तक वो संभलता है वो बहुत दूर जा चुका होता है। तो ये तो मार्केट फोर्सेस हैं, हम इसमें तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना इंटरवेंशन जिस स्टेज तक हम समझते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक, जहाँ तक हम समझते हैं हमारी दखलंदाजी उतनी सीमा तक जरूर होना चाहिए। अनिशु, आपके पास आते हैं, आप बताएं, जिस तेजी से लोकप्रियता की भूखी और स्क्रीन पर चमकने की चाह रखने वाली युवा पीढ़ी आगे आती है, समाज का जिम्मेदार तबका उतना ही उदासीन नजर आता है, मानो किसी हादसे का इंतजार हो। क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की ही है? बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को डिसाइड करने की क्षमता रखें कि वाकई जो भी हम स्टेप ले रहे हैं वो सही है या गलत है, चाहे वो एक पेरेंट्स के नजरिए से हो, चाहे वो एक सामाजिक तत्वों के नजरिए से हो, चाहे वो एनवायरमेंट के नजरिए से हो। अगर हमें वाकई एक चमकने की और अपने आप को फेमस करने की इच्छा है, जैसे कि सर ने बोला कि ट्विटर में अपने फॉलोवर्स बनाने हैं, फेसबुक में अपने लाइक्स हमको ज़्यादा लेने हैं, तो वाकई हमको ये डिसाइड करना और इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। जो तरीका हम अपना रहे हैं अपने आप को फेमस करने का, चमकने के लिए, वो क्या तरीका सही है और क्या गलत है? सही और गलत को समझना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में आप सब लोग प्राइम न्यूज़ के स्टूडियो आए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज असल जिंदगी के ऊपर वर्चुअल जिंदगी हावी होती जा रही है, उस लाइन को, उस मिथक को हमें तोड़ना है और असली जिंदगी में हमारे पास अपने लिए करने के लिए इतना कुछ है कि हमें ये झूठी बातों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ज़िंदगी को किसी घटिया चैलेंज के लिए दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में ये सनक है जो सवार होती है तो इंसान की पूरी ताकत, पूरी क्षमता को या तो तबाहियों के पीछे लगाकर बर्बाद कर देती है या फिर अच्छाइयों में खपाकर नया शाकाहार पेश कर देती है। इसके लिए अच्छे या बुरे नतीजे अपनी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर सच्ची नीयत से सही दिशा में इसे लगाया गया तो कामयाबी की कोई मंजिल नहीं जो आपके कदम ना चूमे। इसलिए सकारात्मक रहिए और अपने हर किरदार को खुद गढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि वायरल संदेश आपका किरदार गढ़े, जिसमें ढलकर आप और आपके साथ ये समाज भी बिखर जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ, बातें करूंगा कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।